रात जब घर आई तो पूरा घर सजा हुआ था। क्या कोई मेहमान आया था? आमतौर पर तो यही होता है कि मियाँ बीवी साथ में खाना खाते हैं और कहीं घूमने भी जाते हैं। ये तो एक फितरी बात है ना। लेकिन मैं ये जानती हूँ तुम्हारी शादी असली नहीं है। ये बात तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए। कोमल को बताए बगैर अब मुझे उससे निपटना होगा। अगर उसे सच पता चला तो वो टूट जाएगी। क्या आप रात भर सोए नहीं? क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, सालाना हिसाब किताब और ये नए साल की प्लानिंग, वही सब ऑफिस के काम, बस ये सब मेरी नींद उड़ा देते हैं। वैसे मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। अगर मैं जूलिया और दुआन की एक साथ में कुछ तस्वीरें ले लेती हूँ तो उन्हें कोर्ट में दिखाकर मैं ये साबित कर सकती हूँ कि दुआन मुझे धोखा दे रहा है। कैसा? जाहिर सी बात है आपा, धोखा तो हुआ ही है। दुआन को इस सब का हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी इंसान मुझे इस तरह से बेवकूफ हरगिज नहीं बना सकता। क्या कहा तुमने? हांदान, तुमने तो लंदन में एक अरसा गुजारा है, वहाँ रहने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी तुम्हें। और तुम वहाँ ब्रांच के काम को भी अच्छी तरह से समझती हो। वहाँ पर तुम्हें एक घर, एक ड्राइवर और एक खूबसूरत लग्जरी कार भी मिलेगी। वहाँ जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकलना होगा। और कितना जल्दी? कल। कबूल करती हूँ।